यूं तो मुंबई को लड़कियों के लिए सेफ्टी के मामले में काफी बेहतर शहर माना जाता है, लेकिन इसी मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। मुंबई के मरीन ड्राइव के सावित्रीबाई फुले हॉस्टल से एक 18 साल की छात्रा की लाश बरामद हुई है। हॉस्टल के चौथे फ्लोर की एक कमरे से छात्रा की बगैर कपड़ों के लाश बरामद हुई और उसके शरीर यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स में भी जख्म के निशान मिले। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में छात्रा का मर्डर हुआ वो कमरा अंदर से लॉक्ड था और इस घटना की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। शक गया हॉस्टल के गार्ड पर, जो घटना के बाद से ही गायब चल रहा था। वो हॉस्टल के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, लेकिन अब उस गार्ड की लाश बरामद हुई है। और हैरानी की बात यह है कि गार्ड की लाश चर्नी रोड रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि गार्ड ओम प्रकाश कनौजिया ने रेलवे ट्रैक से कूदकर जान दे दी। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल हुआ है, जिसमें मर्डर विथ रेप के सेक्शंस 302 और 376 सामने लगाए हैं। इसमें इस लड़की की हत्या करने वाला जो आरोपी है, उस आरोपी ने चर्नी रोड स्टेशन के रेलवे ट्रैक पे जाके, रेलवे ट्रैक पे हमें उसकी बॉडी मिली है। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसने वहाँ पे जाके सुसाइड किया है, ऐसा सामने आया है। और जो हमारा आरोपी है और जो मयत है, उसकी आइडेंटिटी 100% जो है वो कंफर्म हो गई है। उसके पिताजी ने वो बॉडी पहचान ली है। उसके अलावा CCTV, उसके कपड़े और उसने पहने हुए इधर अदर जो आर्टिकल्स है, उस सब के तहत वो आइडेंटिटी हमने कंफर्म करा ली है। इस गुने की आगे की जांच जारी है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से वहाँ था वो, और आखिर इस बात को लेकर कभी शिकायत भी की थी पीड़िता ने? इन सब चीजों की जो इन्वेस्टिगेशन है इस गुने में जारी है और इन सब चीजों का खुलासा जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा। धन्यवाद। फोर्थ फ्लोर पे लड़की को रखा गया था और कोई भी नहीं था। जो भी फैमिली की तरफ से निवेदन या उनका कहना होगा वो इस इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा और उसकी जांच होगी। धन्यवाद। लेकिन ये मामला जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। छात्रा के पिता ने सवाल उठाया है कि आखिर उनकी बेटी को चौथे फ्लोर पर अकेले क्यों रखा गया। छात्रा के पिता ने यह भी बताया कि उनकी बेटी ने आरोपी गार्ड के खिलाफ उनसे पहले भी कई बार शिकायत की। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दोनों वार्डन्स पर कार्रवाई नहीं होती वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन से मेरी इतनी ही मांग है कि प्रशासन ने ये जो इसमें आरोपी है उन पर गुनाह दाखिल करना चाहिए और मुझे न्याय देना चाहिए। जो दो दो मैट्रन है हॉस्टल में, उन्होंने मेरे बच्ची की तरफ ख्याल नहीं दिया। मेरे बच्ची को चौथे मंजिले पर रखा, फोर फ्लोर पर वो अकेली ही थी, अकेली एक रूम में रहती थी। और ये लड़का जो चौकीदार था ये ऊपर गया क्या था, क्या वहाँ CCTV है, क्यों नहीं लगाए लोगों ने और ख्याल क्यों नहीं दिए? मेरे बच्ची को अकेला क्यों रखा इन्होंने? उसके साथ दो लड़कियाँ क्यों नहीं रखी? और हर लड़की के साथ में दो दो तीन तीन लड़की रखी गई इन्होंने, लेकिन मेरे लड़की को अकेला ही एक रूम में रखा गया। इसका मुझे जवाब चाहिए और इसी के लिए मेरी ये मांग है कि ये दोनों मैडम के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। इस मामले में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ वो दोनों वो अकेली रह रही थी पहले, तो इसके बाद जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें उन दोनों पर आरोप की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या मांग है? क्योंकि जिस तरह से उसको तकलीफ दे रहा था, इसके पहले भी ऐसे कुछ चांसेस आए? इसके पहले वो प्रकाश करके जो लड़का था, ओम प्रकाश करके, वो तकलीफ देता था, लेकिन हमने लड़की को समझा दी कि भाई अपन पढ़ाई लिखाई के लिए आए हैं, अपने को किसी की कंप्लेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर कंप्लेंट वो करते हैं तो अपने बच्ची को तकलीफ होगी, इसी वजह से अपन ने तकलीफ नहीं किया था। अब हर बाप यही समझ सकता है कि अपनी बच्ची को तकलीफ ना हो। अगर मैं कंप्लेंट करता था तो मेरी बच्ची को और तकलीफ देते थे दोनों मैडम, इसीलिए मैंने उनसे कंप्लेंट नहीं किया। मुझे क्या पता था कि आगे इतना बड़ा हादसा होगा करके। आपकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था ओम प्रकाश? ओम प्रकाश पिछले 15 दिन से परेशान कर रहा था, लेकिन लड़की ने मुझे बताया, उसकी मम्मी को बताया। वो हमने बोला उसको कि बेटा अभी तेरी छुट्टी ही है, अभी 5 तारीख से छुट्टी लग गई साहब उसकी, तो 5 तारीख से भी मैंने उसका रिजर्वेशन कर दिया था। 8 तारीख का रिजर्वेशन है उसका सर, अब 8 तारीख का रिजर्वेशन, 6 तारीख को हमको फोन ही नहीं उठाया बच्ची ने,
सुबह 6 बजे से मेरे को सब रोज मुझे 8 बजे फोन लगाती मेरी बच्ची और मुझे पूछती पप्पा चाय पिए क्या, पप्पा नाश्ता किया क्या, मुझे रोज फोन लगाती है। 6 तारीख को मुझे फोन नहीं आया उसका, मैं फोन की राह देखते रहा, फोन लगाते लगाते मुझे 3 बज गए। आखिरकार मैंने हॉस्टल में फोन लगाया तो उसके सहेली ने बताया कि उसके रूम को बाहर से ताला है। मैंने बोला भाई बाहर से ताला तो मेरी लड़की गई कहा ढूंढ तू, वो बोले आउटडोर में नहीं है, बोले बाहर नहीं गई हॉस्टल में ही है, बोले कहीं थे भी। मैंने बोला रूम का ताला बोले बंद है, बोले मैंने बोला ताला तोड़ो, नहीं बोले हम नहीं तोड़ते। बोले हॉस्टल के सेफ्टी इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्राओं ने यह भी बताया कि आरोपी गार्ड रात 10 बजे के बाद बगैर रोक टोक हर फ्लोर पर जाता था। गर्ल्स हॉस्टल में एक भी महिला वार्डन नहीं थी, ना ही महिला गार्ड थी। अब महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र DGP को पत्र लिखकर इस मामले की कड़ी जाँच के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें।